वीडियो स्टार्ट होने से पहले जस्ट अ स्मॉल टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको क्लिकिफाई की लिंक ओपन करने नहीं आती तो कॉस्मोफीड ऐप पे मैंने किया है अपने चैनल का ग्रुप क्रिएट, वहां मैं डालता हूँ डायरेक्ट मीडिया फायर लिंक। तो गाइज अगर आपको क्लिकिफाई की लिंक करने में कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हेलो गाइज, दिस इज शुभम, वेलकम टू द गेमिंग कैसेट। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए नो लैग टेक्स्ट पैक, जो कि मिस्टर जय गेमर यूज करता है। हाँ गाइज, वही जो वो पीसी में यूज करता है वही आपके लिए मैं लाया हूँ एमसीपी के लिए। तो गाइज वीडियो फटाफट से पूरी देखना और आने वाली क्लिप जरूर देखना, क्योंकि लिंक ओपन कैसे करनी है वो उसने बताया है, तो वीडियो जरूर पूरी देखना। सो क्लिकिफाई की लिंक ओपन कैसे करें, सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, मैंने जो की लिंक दी हुई है उसको आपको कॉपी करना है और क्रोम में जाके पेस्ट कर देना है। आपको एक टाइमर आ जाएगा, वो एड स्किप कर देना, 3-4 सेकंड्स का फिर से एक टाइमर आ जाएगा, नीचे आ जाओ ओपन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, फिर से आपको एक पेज आ जाएगा उस पर भी टाइमर हो सकता है, फिर से आपको 3 सेकंड के बाद आपको नीचे जाना है ओपन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आपको एक पॉपअप आ जाएगा उसको स्किप कर देना मतलब कट कर देना, फिर से आपको गेट लिंक का ऑप्शन आने में 3-4 सेकंड लग सकते, तो 3-4 सेकंड होने के बाद आपको गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप उस पर दबाओगे आप आपके मेन वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां से आप मॉड या फिर एड ऑन डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस जैसे आपने मॉड को डाउनलोड कर लिया, आपको सिर्फ फाइल मैनेजर में जाना है और उसको रीनेम करना है और उसके आगे का .zip हटाकर MC add-on या फिर MC pack जो भी हो वही तक उसको रख देना है और उसको माइनक्राफ्ट से ओपन कर देना है। सो गाइस इसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगी, आपको करना है प्ले, आपको करना है क्रिएट न्यू वर्ल्ड। क्रिएट न्यू वर्ल्ड करने के बाद मैं तो यार खेलूंगा क्रिएटिव में, क्योंकि मेरे को आपको दिखाने का भी, आप खेलो सर्वाइवल में। और रिसोर्स पैक में जाने के बाद रियल सोर्स एमसीपी टेक्स्ट पैक आपको एक्टिव कर देना है और माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड क्रिएट कर देना है, उसके बाद आपको आपके वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। सो गाइज हम आ गए हमारे वर्ल्ड में और आपको नॉर्मल टेक्स्चर पैक के कंपेरिजन में इधर बहुत ही ज्यादा कलर्स लग रहे होंगे और सैचुरेटेड लग रहा होगा, क्योंकि यही टेक्स्चर पैक मिस्टर गेमर जो कि जय है वो भी यूज करता है। और वो देख सकते हो आप यार पेड़ का टेक्सचर, मतलब पूरा का पूरा भाई स्टेम्स खतरनाक लग रहे हैं। और ये है 64x64 का पैक, मतलब लो क्वालिटी है जो कि फ्री मिलता है, आपको 128 पिक्सल्स का भी मिल सकता है बट पेड़ ही शायद हो और अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा झंझट है। और ये देख सकते हो गाय भी, देखो भाई यार पूरा का पूरा रियलिस्टिक यार टेक्स्चर दे दिया गाय को भी, क्योंकि लग भी अच्छे रही है गाय, और सारा सैचुरेटेड देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये देख पा रहे होगे आप कि शिप भी देख सकते हो, शिप का भी टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये भाई बड़ी है, छोटी शिप है वही समझ में नहीं आ रहा है। और आप ग्रास भी देख सकते हो, ये मिट्टी जो कि क्या बोलते हैं यार इसको, मैं तो भूल गया, बट खतरनाक लग रही है पूरी की पूरी ऑरेंज कलर, मतलब जस्टिफाई कर रही है कि वो मिट्टी ऑरेंज कलर की। और ऊपर से आप देख सकते हो पानी भी नहीं, आप देखो भाई पूरा का पूरा ब्लू है और इसमें वो ऐसा ऊपर ऊपर लाइंस नहीं जो कि माइनक्राफ्ट का डिफॉल्ट टेक्सचर पैक में आती, तो वो बहुत अच्छा है, वरना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बकवास लगता है पानी। और ये देखो आपको विलेज में मैं लेके जाता हूँ और विलेज में आप टेक्सचर का पूरा ऐसा मज़ा उठा पाओगे, क्योंकि विलेज में आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा कि लकड़ी विकड़ी कैसे दिखती है। तो ये तो बॉनफायर तो यार नॉर्मल है, इसमें कुछ किया ही नहीं है, या फिर 128 पिक्सल्स में है मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये देखो वुड जो कि भाई पूरा का पूरा रियलिस्टिक है, ऐसा लग रहा है रियल पेड़ से काटा है। और ये देखो दरवाजा जो कि गांव में आदिवासी लोग यूज़ करते, जैसे कि मिस्टर गेमर जय के टेक्सचर पैक में था। और ये देखो भाई वॉल भी इसका लकड़ी का कैसा खतरनाक लग रहा है, वुडन वॉल। और ये देखो भाई ये आदिवासी लिटरली भाई खतरनाक लग रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसा फटे बिटे हुए कपड़े इसके, और जो भी इसको बोलते हैं विलेजर। और भाई वो देखो ये शिपी है इधर भी, और वैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा टेक्सचर पैक भी नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मैं 64x64 के पिक्सल में खेल रहा हूँ, बट 128 का भाई खतरनाक है, पर वो पेड़ है वरना खतरनाक हो जाता। और ये देख पा रहे होगे कि आप बारिश के मौसम में कैसे खतरनाक लग रहा है ये टेक्सचर। और पानी देखो भाई, पानी पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पानी में गिर जाओगे चलते चलते। तो ऊपर आप स्काई भी देख पाओगे पानी में ब्लू, और आने के बाद पूरा पूरा ग्रे और विंटर, मतलब स्नो और बारिश एक साथ भाई खतरनाक लग रहा है। बारिश का टेक्सचर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कूल दिया गया है, तो इसी की वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो गाइज ये था आज का टेक्सचर पैक, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारे बहुत सारे पुराने वीडियोज है जो कि यार मैंने ऐसे अनलिस्टेड कर दिए थे बट अब भी मैंने कर दिए वो पब्लिक, मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप वो जाओ और ज़रूर ज़रूर देखो। और आपको
चैनल के बारे में कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलता हूँ तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक्स्ट पैक मॉड एड ऑन किसी के तो साथ आपको जरूर मिलूंगा, कल परसों या फिर नरसों। तब तक के लिए बाय बाय।